यूं दे लेजेंडरी प्रोटेक्टर और मैं आज आपके साथ शेयर करने लायक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं शैडो फाइट 2 स्पेशल एडिशन। और आज की इस वीडियो में हम जिस वेपन को रिव्यू करने जा रहे हैं उस वेपन का नाम है लीचेस विद लाइव स्टील इंचेंटमेंट। और आप जो भी शैडो फाइट 2 खेलता है भाई, लाइव स्टील तो भाई भाई दिल के करीब है। जैसे ब्लीडिंग, टाइम बॉम्ब, फ्रेंजी ये सब दिल के करीब हैं, वैसे ही लाइव स्टील भी दिल के करीब है। एंड मैंने इस वेपन को थोड़ा सा ट्राई किया एंड मैं झूठ नहीं बोलने वाला, ये वेपन बिल्कुल टोन फास्ट की तरह काम करता है। और जिन लोगों ने मेरी नॉर्मल एडिशन वाली सीरीज देख रखी होगी उन्हें बात अच्छे से पता है कि टोन फास्ट और मेरा कॉम्बिनेशन एक डेडली बीस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तो मैं यकीन नहीं होता मेरी नॉर्मल एडिशन की सीरीज देख कर आ जाऊँ। और बाकी आर्मर के तौर पर हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं पिट मास्टर का विथ डैमेज अब्जॉर्प्शन इंचेंटमेंट। हेल्म के तौर पे हम यूज़ करने जा रहे हैं हेक्सापॉड का विद डैमेज अब्जॉर्प्शन इंचेंटमेंट। रेंज वेपन हमारा सेमियो का क्रिस्टलाइन स्पाइक्स। और मैजिक हम एक न्यू लेने वाले हैं जिसका नाम है फायर स्प्लैश वर्थ 64 जेम्स। हाँ ओके, तो फाइनली अब मेरा मैजिक चेंज होने वाला है, कसम से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एंड बाकी आज हम लिनक्स को हरा कर ब्लू सील तोड़ने जा रहे हैं। आर यू गाइस रेडी? हाँ, तो अगर तुम मेरे चैनल पर ना और तुम ऐसे ही शैडो फाइट 2 रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को भी के पीछे जाके सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जब भी कोई नई वीडियो तो तुम सबसे पहले देखवाओ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला थम्स अप करो जैसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर भी किया करो यार, मुझे पता है तुम लोग शेयर नहीं करते हो, इतना बड़ा अंतर्यामी तो मैं भी हूँ, तो शेयर करो अभी के अभी जाके शेयर करो। एंड बाकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। लिनक्स डिफीट लिनक्स टू ब्रेक द सील। आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू दिस। लिनक्स, सो यू आर बैक। यू एक्सपेक्ट मी टू जस्ट सेट हियर व्हाइल यू ओपन द गेट्स? नो, आई कांट लेट यू डू दैट, नॉट अगेन। जस्ट शट अप बॉय। एंड दैट स्केरी बीजीएम भाई, कसम से लिनक्स का बीजीएम इतना स्केरी क्यों लगता है? वेल, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीचेस बिल्कुल टोन फास्ट की तरह काम करते हैं। ओके जस्ट डाइन पीस शेन, परफेक्ट। ब्रेक, ब्रिंग इट ऑन, ईट कहीं के हैं भाई साहब, तुमने देखा? बाय द वे, क्या मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मेरा जो लीचेस है ये मैंने एक लेवल तक अपग्रेड भी कर दिया था, बिकॉज बेटे जान। भाई साहब तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर बन रहे हो हैं भाई। ओके नीडल, ब्रिंग इट ऑन। ओए यार क्या मस्त बीज है, मैं मतलब भाई ओए नॉस्टैल्जिया भाई, नॉस्टैल्जिया। सब दिस इज गोइंग टू बी रेकलेस बॉय, दिस वेपन इज एक्चुअली सिक भाई, सीरियसली तुम मजाक कर रहे हो क्या हैं? ओ भाई आई एम जस्ट किलिंग इट गाइस। एक सेकंड, मेरा माइक म्यूट हुआ था क्या अभी? ओ या मेरा माइक म्यूट हुआ था, सॉरी गाइस, मैंने पता नहीं कोई ग्लिच हुआ होगा। ओ या बॉय, आई मीन ओ या गर्ल, पता नहीं, एक सेकंड मुझे देखने दो। ओके या थोड़ी देर के लिए म्यूट हो गया था, मे बी सम ग्लिच। कोई नहीं, ग्लिचेस को तो तुम इग्नोर कर ही रहते हो ना। कोई नहीं, इसमें मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बोला था।
फर्स्ट स्ट्राइक इज ऑलवेज माइन। मर्द की औलाद है तो लड़। सच में यार ये वेपन कितना ज्यादा ऑसम है। लिनक्स ब्रिंग इट ऑन। डैम भाई जस्ट तबाही। ना 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 अरे 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 नाइस लिनक्स यू आर फिनिश्ड माय बॉय। ओके नाइस बहुत सारे जेम्स बहुत मेहरबान लिनक्स। द वॉइस आई स्टिल हियर टाइटन्स वॉइस इनसाइड माय हेड। यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर यू आर डीलिंग विद। यू हैव डूम्ड अस ऑल। वेल आई डोंट केयर एक्चुअली। सच बता रहा हूँ मुझे एक्चुअली में कोई परवाह नहीं है। मुझे यार डर ही नहीं लगता उससे। हैं काय बात के लिए डरूँ हैं। एंड मैंने अभी भी लेवल अप नहीं किया है। ये क्या लॉजिक है तुम्हारा। ओ भाई क्या मैंने कुछ मिस कर दिया क्या हैं। किस खुशी में तुम मुझे लेवल अप होने नहीं दे रहे हो हैं भाई यार। ओके आई गेस टाइम टू डू सम। अरे एक सेकेंड ले भाई यार मैं फायर स्प्लैश का रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। अरे यार नहीं शिट। ओके सीम्स लाइक आई वोंट बी एबल टू डू द रिव्यू ऑफ फायर स्प्लैश। ओके फाइन बाय मी। गेम को मेरे मजे लेने ठीक है कर लो मजे तुम। Brawler, bring it on, my boy. Nah. अरे बस 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 नाइस भाई फुल हेल्थ। That's the power of life steal. Perfect हो सकता था। God damn it. भाई ये ले तू तेरी हे ना। व्हाट डू यू कॉल दैट सर। हाँ क्या सही डॉज मारा भाई मैंने। यू हैव बीन अरे रहन दो यार। हाँ वेट व्हाट लिनक्स भाई तेरे लिनक्स क्लोज हैं। ये का बकलो दिया बे इसके लिनक्स क्या। What logic is this? भाई मैं लिनक्स को वो टाइटन को लिनक्स क्लॉज के साथ मतलब हराना चाहता था। ये भाई तुम पागल होते हैं भाई। एक तो मुझे वैसे ही मेरा मूड खराब हो गया और तू मेरा और मूड खराब कर रहा है। यार एक सेकेंड क्यों मगर क्यों मुझे इंटरल्यूड कंप्लीट करना पड़ेगा है। ऐसा कोई सीन है। देख डैंडी ऐसा है सॉरी डैंडी कह रहा हूँ लकी ऐसा है मेरा मूड पहले खराब है। ओके नाउ यू आर फ्रीक्ड अप। ये क्या लॉजिक है। Why the hell I can't fight Linux to get his Linux claws? यार normal edition में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा plan ये था मैं level 52 होने पर जो Linux claws use करूँ।
Oh well, you're shocked, sir. बढ़िया भाई, हेल्पफुली रह रही है मेरी। अब ये करके देखाओ बच्चा, ये करके देखाओ हैं। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं तेरा खानदान खत्म कर दूंगा। योर बैड सर। ओ भाई, भाई साहब क्या सर पे मारा मैंने उसे, वो पड़ा हुआ था जमीन पे, भाई साहब दे फटैक दिया मैंने उसे। शेट भाई, क्या दर्द हुआ होगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम टफ शेट गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम टफ शेट। सर पेंट नहीं यार, नहीं। क्यों मगर क्यों। ओके, फर्स्ट स्ट्राइक मिल चुका है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। भाई साहब, दिस वेपन इज जस्ट फ्रिकिंग गुड। मतलब भाई इस वेपन से तुम भाई कितने सारे कॉम्बो बढ़ा सकते हो। देखो मैजिक यूज करने का अब कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। तुमने देखा ना उसे कितना डैमेज हो रहा था, कौन था वो बंदा। लेट जाओ सर, आप मेरे सामने नहीं टिक सकते, जस्ट स्टे डेड। ओके, नाउ इट सीम्स लाइक वी शुड डू वन चैलेंज, यू हैव टू फाइट बेयर हैंड इन फाइट। ओके, लेट्स डू दिस। ओके हेल कैट, ब्रिंग इट ऑन, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ भाई साहब, यार एक्ट टू में कितने मजे किए थे हमने यार, सीरियसली 2 whole days मुझे अभी भी याद आती है उन दिनों की यार। क्या तुम लोगों को याद आती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने बहुत समय बाद किसी को चोक फेंक दिया। नहीं सोचना भी मत, जब तक डैमेज ऑप्शन मेरे साथ है मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाइस, ओके, बेयर हैंड उप पे बोलते, हेलकैट की खोपड़ी खोलते, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है इसलिए लेडी फर्स्ट। ओके, ब्लॉक करने की सोच रहा था, आपको फर्स्ट स्ट्राइक देने की नहीं सोच रहा था। मैजिक यूज करना और ना यूज करना ऑलमोस्ट एक जैसी बात है ना। ओह स्कैम 2021 बॉयज। ओह यार ये क्या, क्या था ये है। मैंने इस गेम में ये चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे तुम्हारे ओपोनेंट का लेवल बढ़ते जाता है वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक बनता जाता है। हाँ नाउ इट्स नॉर्मल, क्या बात है। Win by scoring 20 hits. Oh, free boy. Now this is actually some tough shit. Bhai, seriously, tum mazak kar rahe ho na? Bhai, damn. Bhai, kuch bhi karwa lete, ye kya karwa rahe ho tum? Okay, I have.
नाइस ओपी भाई ओपी। मेरे ये उतना भी टफ नहीं था जितना मुझे लग रहा था। नॉट बैड यू हैव रीजन यू लेवल प्रोफाइल एंड फिजिक प्रोफाइल। स्टील फोर्ट ले लो 14.5% चांस है। बहुत मेहरबान हो रहा तुम तो उस पर हैं। ओके सबसे पहले नया मैजिक परचेज करो और इसे भयंकर लेवल तक अपग्रेड कर लो भाई। ओके नया हेल्म मिला है लेकिन अभी हमें सेकंड विन को रिव्यू करना है। एंड ओ शिट पिट मास्टर हाँ ड्रैगन टीथ। ओके न्यू वेपन सही है भाई। ओके तो मुझे देखने तो अब क्या कर सकते हैं हम। हाँ हम ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो एक लास्ट चैलेंज एंड देन हम वीडियो को एंड करेंगे। लिविंग द मार्क जोन ड्यूरिंग दिस फाइट काउंट्स एज अ लॉस एनिमीज इंक्रीज डिफेंस। ओके रिंग आउट और रीच ब्रूजुअल स्टाइल। हाँ ओके वैसे डिफ़िकल्टी लेवल ईजी आ रही है तुम्हें एक्चुअली में लग रहा है ये क्या कहते हैं हार्ड होगा। और एक ही राउंड है। हाँ ओके ये है तुम्हारा इंक्रीज डिफेंस है। ओ बॉय ये क्या है डार्क इंप्लोजन। हाँ ये तो मुझे डार्क इंप्लोजन लगा। शिट होली फ्रीक भाई भाई सीरियसली मुझे डार्क इंप्लोजन वाली फील आई थोड़ी देर के लिए। मतलब जैसे वो नीचे गिरा एंड बूम भाई सच में फुल डार्क इंप्लोजन फील भाई फुल डार्क इंप्लोजन फील। ओके तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे सेट को रिव्यू करूँ तो मैं इस पूरे सेट को रिव्यू करूँगा 10/10 प्लस एक्स्ट्रा ओपी। सीरियसली दिस सेट इज जस्ट डैम। मतलब जब मुझ पर वो मैजिक यूज किया गया था एंड देन मेरी जब डैमेज अब्सॉर्प्शन जो है इनेबल हो गई थी दैट वाज जस्ट सिक भाई। मतलब स्कैम 2021 भाई। एंड बाकी मैजिक का तो कोई खास रिव्यू हो नहीं पाया तो भाई प्लीज इग्नोर दैट। एंड या दिस इज़ एक्चुअली गुड। एक तो भाई टोन फास इतने बढ़िया वेपन है ऊपर से उसके ऊपर अगर तुम्हें लाइफ स्टील देखने को मिले तो भाई बिल्कुल तबाही समझ रहे हो तुम। एंड बाकी तो डैमेज अब्सॉर्प्शन का साथ तुम्हारे साथ तो है ही। तो या तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैजिक वैजिक यूज हुए तो किस्मत से मैक्सिमम टाइम्स डैमेज अब्सॉर्प्शन इनेबल होती ही रहेगी। एंड बाकी दिस सेट वॉज एक्चुअली गुड। तो मुझे देख ले तो अगले वीडियो के लिए कौन सा सेट यूज़ करना है। ये है नीचे ओके बा ड्रैगन टीथ। ये अपना आर्मर सेम रहेगा। सेकंड विंड ये भी सेम। ओके आई गॉट इट। मतलब बहुत खतरनाक लेवल की ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। हाँ समझ गया मैं समझ गया। ओके गाइस तो ये थी आज की वीडियो। होप श्योर तुम लोगों को पसंद है। अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बगल वाला बेल आइकन दो ताकि मेरे जब भी कोई नया वीडियो तो तुम सबसे पहले तो इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला थम्स करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।